श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको रवि पुष्य नक्षत्र कब है और साथ में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पान के पत्ते वाला विशेष उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ रवि पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, उसको करके दिखाएंगे ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले आपको बता दें, पुष्य नक्षत्र 11 दिसंबर को रात को 8:36 से लगने वाला है और अगले दिन को 12 दिसंबर को रात 11:36 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का उपाय बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि ऐसा मौका वर्ष में सिर्फ एक या दो बार ही आता है और इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपका बच्चा पढ़ाई में कितना भी कमजोर हो, वह विद्वान होने लगता है, वह पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाने लगता है, वह स्वयं पढ़ाई करने बैठता है। उपाय कब करना है इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के आखिरी में देंगे, पहले आप उपाय देख लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता और थोड़ा सा पीला चंदन की आवश्यकता होगी, साथ ही आपको 3 शमीपत्र और 5 बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। इन सभी चीज़ों को आपको लेकर शिव मंदिर में जाना है। अगर आपका बच्चा यह उपाय करे तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर वह नहीं कर पाएगा तो आप यह सभी सामग्री को उसके हाथ से स्पर्श करा दें और आप भी उसके लिए उसके निमित्त यह उपाय कर सकते हैं। अब उपाय समझते जाइए कैसे करना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको चंदन से शंकर भगवान का नाम लेते हुए, पार्वती माता का नाम लेते हुए, ब्राह्मणी सरस्वती माता का नाम लेते हुए इस चंदन से 3 बिंदु बना देना है। यह 3 बिंदु शिव जी, पार्वती माता, सरस्वती माता के निमित्त है। आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, शिव, पार्वती और सरस्वती का नाम भी लिख सकते हो, या फिर आप बिंदु भी लगा सकते हो, दोनों ही करने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इसके बाद इस पान के पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पान का पत्ता कैसे अर्पित करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं, और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ रवि पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, इसलिए आप उपाय को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आता है। पान का पत्ता अर्पित करने के बाद आपको इसी पान के पत्ते के ऊपर 5 बेलपत्र अर्पित कर देना है। आप 5 बेलपत्र को एक साथ अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र भी हमने कैसे अर्पित की है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र उल्टी है और जैसे शिवजी पर अर्पित की जाती है वैसे ही हमने अर्पित की है। बेलपत्र को देख लें आप कि बेलपत्र की तीनों पत्तियां हो, ऐसा नहीं हो कि 2 पत्ती हो, बेलपत्र की तीनों पत्तियां हो और बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी ना हो, ना ही उनमें छेद हो, मतलब साफ अच्छी सुंदर बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद जो आपने शमीपत्र लाए हैं 3, उसको अर्पित कर दीजिए। पान के पत्ते के ऊपर ही आपको बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करना है। पान, बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहिएगा। इस उपाय को करने से वह बच्चा पढ़ने में कितना भी कमजोर हो, वह विद्या में आगे बढ़ने लगता है। उसके माता पिता को देखना भी नहीं पड़ता है, वह पढ़ने खुद बैठता है और जीवन में विद्या में प्रबल होता है। यह उपाय आपको 11 दिसंबर की शाम को करना है। उपाय से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।